let us do the problem of coordinate geometry. Question is, if the distance between the points 5, 3 and x, -1 is 5 unit, find the value of x. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि पॉइंट्स 5, 3 और x, -1 के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तब x का मान ज्ञात करें. स्टूडेंट्स, इजी प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट भी है ये बहुत ज़्यादा. इसमें आपको पॉइंट्स गिविन है, इसमें उनके कोऑर्डिनेट गिविन है, पॉइंट्स के गिविन पॉइंट्स आर 5, 3 एंड x, -1. ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं. इसमें एक कोऑर्डिनेट x मिसिंग है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. स्टूडेंट, पॉइंट्स आपको गिवन है और उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 कंसीडर कर सकते हैं और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 कंसीडर कर सकते हैं. नाउ राइट द डिस्टेंस फार्मूला. d इज इक्वल टू अंडर रूट x1, -x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1, -y2 होल ऑफ स्क्वायर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज 5. नाउ वैल्यू ऑफ x1 इज 5, वैल्यू ऑफ x2 इज x, सो 5, -x होल ऑफ स्क्वायर. y1, -y2, y1 इज 3, y2 इज -1, सो -, -, +, 3, +1 होल ऑफ स्क्वायर. 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 5, -x होल ऑफ स्क्वायर, 3, +1 4, 4 स्क्वायर इज 16. स्क्वायरिंग बोथ साइड, रिमूविंग द स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड बाय स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज कैंसिल्ड आउट, सो 5, -x होल ऑफ स्क्वायर प्लस 16 बाय ट्रांसपोजिशन. 25, -16 इज इक्वल टू 5, -x होल ऑफ स्क्वायर. 25, -16 इज 9, सो 9 इज इक्वल टू 5, -x होल ऑफ स्क्वायर. और 5, -x होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इम्प्लाइज 5, -x इज इक्वल टू ±√9. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो वी गेट 5, -x इज इक्वल टू ±3. टेक पॉजिटिव साइन, वी गेट 5, -x इज इक्वल टू 3 बाय ट्रांसपोजिशन. 5, -3 इज इक्वल टू x, 5, -3 इज 2, सो x इज इक्वल टू 2. टेक निगेटिव साइन, वी गेट 5, -x इज इक्वल टू -3 बाय ट्रांसपोजिशन. 5, +3 इज इक्वल टू x, 5 + 3 is 8, so x is equal to 8. Therefore, the value of x is 2 or 8. This is the value of x for the distance between the given point is 5 units. Very important problem. Note down the solution of this important problem. Thank you so much, students, for
watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel.